Thank you very much, Chairman Sir, allowing me to speak on the High Court and Supreme Court judges' salaries and conditions of services amendment bill. मैं जिस बात को आखिर में बोलने वाला था उसको शुरू कर लूं क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है. 3 मिनट है. माहौल ऐसा बने मेरा सर मेरा तो 8 मिनट है पहले से तय है. मैं नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा. आपके पार्टी की तरफ से तो कोई बोल चुका. हाँ, पार्टी की तरफ से एक बोला, इसलिए कम बोला. खैर सर, आप बैठे हैं तो प्रोटेक्शन आप मुझे देंगे. मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की बेंच की डिमांड एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, दशकों पुरानी डिमांड है. वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए सर. सहारनपुर से चल करके 800 किलोमीटर चल करके हाईकोर्ट का न्याय लेने के लिए इलाहाबाद जाता है वेस्टर्न यूपी का आदमी. मेरी सरकार से ये मांग है. मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग डिस्कस कर रहे हैं, सरकार इतनी कमजोर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बैठे हैं तो कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं. मुझे मालूम है कि जब सरकार की विल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजम के कई डिसीजंस को या तो वो इंप्लीमेंट नहीं करती या कोलिजम पे दबाव बनाती है कि फला जज को आप रिकमेंड करेंगे तो हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे. पूरा देश जानता है कि जस्टिस कुरैशी, जो सीनियर मोस्ट थे हाई कोर्ट की लिस्ट में, जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन सरकार का दबाव था कोलिजम के ऊपर कि अगर उनका नाम इंक्लूड करके आपने भेजा तो हम एक भी पास नहीं करेंगे. और इसलिए जो है कोलिजम ने पिछले 1.5 साल तक कोलिजम ने 1.5 साल तक रिकमेंडेशन नहीं की. 1.5 साल तक कोलिजम की रिकमेंडेशन नहीं होने दी गई. मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में न्याय जो है, न्याय की क्या स्थिति है. 50 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है. 4 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं लोअर कोर्ट में पेंडिंग है. और इसमें बड़ी संख्या जो है इस देश के गरीब समाज की है, जो दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, आदिवासी है, उसकी जो है उनके केसेस पेंडिंग है. मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि जो रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC माइनॉरिटीज का होना चाहिए, मैंने आप ये एक एग्जांपल दिया, सरकार को जहां चाहिए होता है वहां सरकार दबाव बना लेती है, लेकिन जब SC ST OBC माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो सरकार दबाव नहीं बनाती. सरकार कई कई महीने तक, साल साल भर तक फाइल पेंडिंग रख के बैठ जाती है, उसके ऊपर नहीं क्लियर करती. इसलिए मेरा आपके माध्यम से सिर्फ मैं कंक्लूड करता हूं कि और ऑनरेबल कोर्ट्स भी जो हैं आजकल आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, जो UAPA में लोग बंद हैं, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास केस के ठंडे बस्ते में, सरकार की विल जो है, सरकार अगर चाह लेती है कि इस इशू को अभी नहीं टेकअप करना है तो कोर्ट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला जाता है. 2 साल से तो कोर्ट बंद पड़ा. मैं नहीं कोर्ट सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट भी बंद नहीं पड़ा. कई मैं क्योंकि पिनाकी जी कहेंगे कि लॉयर्स जो हैं, अब बड़े लॉयर तो घर में बैठ के, कई बार हमने क्लिपिंग देखी किस तरीके से जो है, किस हालत में बैठ करके ऑनलाइन हियरिंग में जो है हो रही थी. मैं चाहता हूं कि इस गरीब को, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, गरीब को हायर जुडिशियरी में न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं हायर जुडिशियरी में, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि गरीब आदमी वो एफोर्ड नहीं कर पाता. मैं इसी बात के साथ कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल में, मेरे यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर ब्रजघाट इतने बड़ा तीर्थ स्थल बन रहा है, कम से कम वहीं आप दे दीजिए. माननीय लॉ मंत्री साहब, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और आप अगर चाहें तो कर सकते हैं.